सोलन के वार्ड नंबर 14 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेवा समिति द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। डॉक्टर बिंदल ने इस अवसर पर बेल का पौधा रोपा। इस पौधारोपण कार्यक्रम में 3 दिनों के भीतर 200 से अधिक पौधे रोपित किए जाएंगे। वहीं इस मौके पर मनोनीत पार्षद नरेश गांधी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि लगाए गए सभी पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर राजीव बिंदल ने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को इनके निवारण के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि पौधारोपण मात्र एक कार्यक्रम नहीं अपितु भविष्य के संरक्षण एवं पर्यावरण का सजग प्रहरी बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का एक अलग जिला बनने के उपरांत सोलन ने प्रगति के अनेक सोपान तय किए हैं। आज सोलन जिला एवं सोलन शहर विकास के अनेक आयामों को प्राप्त हो चुका है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक सोलन की है। उन्होंने कहा कि सोलन आज कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है। इस दिशा में सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि इसे हरा भरा रखा जा सके। प्रातःकाल 5 बजे से ही पौधे लगाने का क्रम शुरू हुआ है और हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस अवसर के ऊपर इन्होंने मुझे भी पुरानी यादें ताजा करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया और जिस तरह से सोलन आगे बढ़ रहा है, जिस तरह यहाँ कारोबार बढ़ रहा है, बिल्डिंगें बढ़ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की आवश्यकता और ज्यादा अधिक बढ़ रही है। हर व्यक्ति को आज के दिन सौगंध लेनी चाहिए, कम से कम एक पेड़ इस बरसात के अंदर मैं सोलन में लगाऊंगा, मेरे घर पर जगह नहीं, अपने लेंटर पर लगाऊंगा, पड़ोस में लगाऊंगा, पार्क में लगाऊंगा, गली में लगाऊंगा, टीन के डब्बे में लगाऊंगा। अगर सोलन के लोग यह संकल्प लेते हैं तभी जाकर के कंक्रीट का जो बनता हुआ जंगल है ये अच्छे सोलन के रूप में विकसित होगा। इतना संकल्प आज लेने की आवश्यकता।